दर्शन व्यवस्था को नहीं नुआ एसओपी जारी करा जाई जहां पूर्व एसओपी थिला भक्त श्रद्धालु माने 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीका रो दुईटी डोज नेथवा प्रमाणपत्र देखिबे ताहा सेप्टेंबर मास गाइडलाइन पई मध्य समान भाव रे बलवत्तर रहिला एवं कोन कोन सब आलोचना करा गला से विषय आमे सविशेष आलोचना करबा हम सहित परिचालन कमिटी सदस्य अछिना अर्गस न्यूज को स्वागत करछि। आज विशेष जो आलोचना करा गला निहाती भाव रे भक्तों पई गोटे खुशी खबर कारण शनिवार दिन एथर श्री मंदिर खोला जिबा किंतु रविवार दिन श्री मंदिर सैनिटाइज करबा पई बंद रहइबो ए तमाम विस्तृत एसओपी आज कोन बाहरला। जय जगन्नाथ। आज मुख्य प्रशासन अदालत परिचालना कमिटी बैठक होता बैठक में आलोचना बहुत खुशी आलोचना होता आज मंदिर बहुत सेवायत परिवार सेवायत मानी और भक्त मानी जो आम एसओपी जारी होता शनिवार रविवार श्रीमंदिर बंद रही मुख्य प्रशासन अदालत मीटिंग में शनिवार खोल रविवार बंद सैनिटाइजर पर आमर कोविड कटक जहाँ भी नियम थी से नियम बलवत्तर रहा आरटीपीसीआर टेस्ट निहाती भाव में डबल डोज टीका निहाती भाव में आउ पर्वपर्वाणी दुई दिन बंद गणेश पूजा आगे अच्छी गणेश पूजा बंद बावन जन्म सुनिया भी बंद प्रबल भिड़ रहे ये दिन मानक से जो देखिक कोविड कटक को देखा जाए दु दिन बंद कर बड़ कथा हूँ महाप्रसाद सेवन कटक पूर्व भाई बलवत्तर रहा महाप्रसाद व्यवस्था बलवत्तर रहा मुख्य प्रशासक जिला ई कर मीटिंग डाक आलोचना करने आज गोटे खुशिया कथा आज परिचालना कमिटी रे स्वर्ण आसन नियोजक सदस्य अनंत तिवारी प्रस्ताव देते जे रविवार जो आम बंद रक्त मैंने आसी उत्तर द्वार पटे महाप्रसाद नहीं उत्तर द्वार पटे फेरिया प्रस्ताव देते ग्रहण कर मुख्य प्रशासक जिलापा निर्देश दिए आलोचना जारी कर व्यवस्था करने गोटे प्रस्ताव दि जाइए उत्तर द्वार पटे जाए भक्त साधारण मैंने महाप्रसाद आनी पारे आम अनंत तिवारी अच्छा परिचालना कमिटी सदस्य आम सहित आलोचना करवा आज सब बड़ कथ हूँ भक्त श्रद्धा मानों खुशी खबर निहाती शनिवार कारण छुट्टी दिन मानक आसी था इच्छा थाए पुरी आसवे महाप्रभु दर्शन करेंगे शनिवार खोला गला निहाती भाव स्वागत योग्य पदकेप किंतु पुरी बासिंदा मन में बहुत दुख रही गला आज कारण पुरी बासिंदा एसओपी रे किसी कटक कोहल करा ना देखो चेष्टा तो समस्त कर पूरी बासिंदा कि एसओपी कोहल कर जेहेतु गवर्नमेंट रोटे गाइडलाइन अच्छी आउ समस्त भक्त आसुच्च पूरी लोक मैंने निश्चित मानने मोर आशा अच्छी अक्टोबर मसर जो गाइडलाइन आसो निश्चित पूरी लोकाल लोकों पर जो मैंने पूरी सहर लोक आसुच्चपी कि कोहल तो समस्ते दर्शन करेंगे समस्ते दर्शनार्थी समस्त भक्त जो भाई भाव किसी प्रायोरीटी दि जाऊँगी आम मंदिर कर्मचारी सेवायत मानक प्रायोरीटी न दिया गले किंचित गोटे समय निर्दिष्ट समय या कौन सी गोटे अन्य द्वार दे प्रवेश करिया को माने एटा मो व्यक्तिगत मत सेवायत परिवार जो महिला सदस्य मैंने अच्छा से महाप्रभु मंगलालय ठीक रात पहुड़ पर्यटन तमाम नीतिकांति दर्शन करते कि कटक रहा नाई देखु पूर्व एसओपी स्थिर रही जहाँ बदल गला सेवायत लेडीज मानका जो कटक आप कौन सेमती किसी ना से जो एसओपी आधार में जाते से एसओपी आधार में ही जी पूर्व पूर्व एसओपी छत्तीस निजोग एस जे टी ए मंदिर आडमिनिस्ट्रेसन बसिक जो निष्पत्ति नहीं पूर्वपर बलवत्तर रही आशा करवा कि आर मसरे नेक्स्ट मसरे जदि करोना नियंत्रण को आसे तेज आपने पुनर्व प्रस्ताव देते पूरीवासी कोहल हुए निश्चित निश्चित जदि करोना कंट्रोल आसे जोटा कि आम समस्त अपेक्षा कर राज्य सरकार गाइडलाइन को समस्ते सम्मान देवे राज्य सरकार कौन गाइडलाइन आसूँ अक्टोबर मसपाई कहीं पार्वण ऋतु ताकू नहीं कि मंदिर निश्चित ता गाइडलाइन इश्यू कर एसओपी वर्तमान समय से एसओपी बलवत्तर रहा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चार दिन भितर नटे नचे टीकार दुईट डोज ना प्रमाणपत्र कितु एवं देखा जाने भी परलिखित करते हैं अनेक फेक नेगेटिव रिपोर्ट बाहर अनेक थाना अटक रोचान या कि भाव कंट्रोल कर देखो एक कंट्रोल कर तो आमे केवल कहीपर विरोध करें भक्त को आपण अनुरोध करुच्छू कि फेक रिपोर्ट करके आसवा आवश्यकता ना समस्त की सुजोग मिलो आम अन्य दिन मानने गाइडलाइन की समस्ते टी फलो करूँ समस्ते शिक्षित है मंदिर एसओपी की फलो करूँ आप जापर निर्दिष्ट दिन कौ दिन नर्माली बर्तमान तो आम जो भावुले लक्ष लक्ष लोक सेमती नहीं दस बार हजार लोक ही आसुच्च दर्शन को आम पाखे जो हाइएस्ट रिपोर्ट अच्छी 12,338 जोटा आवरेज जब देखिए 12,000 लोक ही आस 10,000 लोक मैक्सीम आसुच्च आउ अधिक लोक है 7-8,000 लोक है मंदिर से गहली होना मंदिर जिते आम आशा करूचे
ଲୋକ ଆରାମସେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଫେକ୍ କରିକି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି, ଟିକା ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି, ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, ବାମନ ଜନ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ଆସୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ସେ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ, ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଏସ୍ଓପି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ବାମନ ଜନ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ପର୍ବ, ତ ସେଭଳି କିଛି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଲଗା, ସେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେତେବେଳେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଆମେ ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି, ଶନିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ସମୟ ଅବଧି ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋହଳ କରାଯାଉ, କାରଣ ପୁରୀବାସୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ରାତ୍ର ପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇକି ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଚଳିତ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ବା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ବାହାରିଛି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁରି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।